पूर्व बिलावर में हुए मर्डर केस की गुत्थी सुलझने के बजाय उलझती जा रही है। इस मामले को लेकर आज बिलावर के सिविल सोसाइटी के लोगों ने जगदेव चौधरी की अध्यक्षता में पुलिस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब आरोपियों ने खुद सरेंडर किया है तो पुलिस क्यों लोगों को गुमराह कर वाहवाही लूट रही है, जिसका खामियाजा लोगों को बिलावर में पुलिस के सामने हुए पथराव को देखने में मिला। पहली बार बिलावर में हुए पथराव को लेकर लोग सन्न हैं। पत्थर मारे और पुलिस के करा दी, पुलिस आ गई बीच कदम पे आ गई ना और के करा दे है वो उंदा के उथे रोला सवेरा ले गया शाम तक एसएचओ साहब अपने डीएसपी साहब सारे उथे और इन्नी सीआरपी ही उथे मगर फिर भी पत्थरबाजी हुई। क्या है पुलिस करने ये क्राइम करा दी और दूसरा मुद्दा साड़ा ये है कि ए पुलिस जेड़े करने होइए क्राइम करा दी ये नहीं करा क्योंकि कश कुड़ होइए पत्थर मराए पुलिस वाले साड़ा मुद्दा ये है सिर्फ ये है क्योंकि अस नहीं चाहते कि कश्मीर लिखा माहौल इतना बने अस हिंदू मुसलमान किठे रहने इतना अस किठे रहन दो अस लोग बड़े अच्छे। लोगों का कहना है कि वर्षों से बिलावर में आपसी भाईचारा कायम है लेकिन पुलिस प्रशासन इस भाईचारे को कायम रखने में असफल साबित हुई है। प्रदर्शनकारियों का यह भी कहना था कि हम चाहते हैं कि जो आरोपी हैं उन्हें कानून के तहत सजा मिलनी चाहिए लेकिन ये जो खराब माहौल बन रहा है इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। अगर इस तरह से पुलिस के सामने लोग कानून को अपने हाथ में लेकर पत्थरबाजी करते रहे तो कानून पर सवाल उठना लाजमी है। बिलावर से मोहन शर्मा, अलर्ट इंडिया न्यूज़।